तो बेसिकली हमारा काम अब ये है कि एक वेब पेज के ऊपर से जैसे हम लिंक्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही चूंकि हमें उसके ऊपर टेक्स्ट भी मिलता है और हमें जो बेसिकली अपनी सर्चिंग है वो सारी उस टेक्स्ट के साथ ही करनी होती है, तो हम उस सारे टेक्स्ट को इंडेक्स का हिस्सा बना सकें। तो वो टेक्स्ट जो है वो हमें एक एक वर्ड के तौर पे अलग अलग नहीं मिलता, बल्कि इट्स अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स जिसको हमें इंडेक्स का हिस्सा बनाना होता है। इंडेक्स का हिस्सा बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका जो बहुत आसान सा तरीका जो हमारे पास दस्तयाब है वो ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें कितने वर्ड्स हैं? वर्ड्स, जी सर, 10 काउंट करके बताइए पहला वर्ड कौन सा है? वर्ड्स। आई दूसरा वर्ड, ए बेटे ये तो लेटर होता है। वर्ड और लेटर में क्या फर्क होता है? सर, स्पेस भी आएगा इसमें। लफ्ज और हर्फ में क्या फर्क होता है? लफ्ज तो मजमुआ हरफों का, लेटर और वर्ड में क्या फर्क होता है? लेटर आई होगा और स्ट्रिंग में सर एस लेटर होगा, और एस लेटर होगा, टी लेटर होगा, आर लेटर होगा, इसी तरह होगा, और वर्ड ये पूरा हो जाए स्ट्रिंग। तो इस ये जो स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है आपके सामने, जो पूरी एक स्ट्रिंग एस लिखी हुई है, इस एस के अंदर कितने वर्ड्स हैं? सर फोर फोर देर आर फोर वर्ड्स इन इट, राइट? अब जाहिर है ये हर वर्ड एक अलग की वर्ड बनने का कैंडिडेट है, और आप जानते हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट होता है। इसको अलग वर्ड्स में कन्वर्ट करने का एक बहुत आसान तरीका जो हमारे पास है वो ये है कि आप स्ट्रिंग का नाम लिखें और उसके बाद हमारे पास एक प्रोसीजर है स्प्लिट, राइट? हम लिखते हैं एस डॉट स्प्लिट। तो इसने क्या किया, क्यों जी, एस डॉट स्प्लिट ने क्या किया? इसने तमाम वर्ड्स को अलग अलग वर्ड्स के तौर पे एक लिस्ट में डाल के हमें रिटर्न कर दिया। तो अब हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ये चार वर्ड्स हैं, आई एम अ स्ट्रिंग, राइट? सो बेसिकली जो स्प्लिट प्रोसीजर है उसको जब आप किसी स्ट्रिंग पे कॉल करते हैं तो वो स्पेस की बेसिस के ऊपर स्प्लिटिंग करता है। जहाँ जहाँ उसे स्पेस मिलती है उस वहाँ पे वो उन वर्ड्स को अलग अलग कर लेता है। और आमतौर पर ज़ाहिर है आपको पता है कि हम वर्ड्स को डिस्टिंग्विश या डिस्क्रिमिनेट करते भी स्पेसिस की बेसिस के ऊपर हैं। जहाँ एक वर्ड ख़त्म होता है वहाँ हम एक स्पेस प्लेस करते हैं और अगला वर्ड शुरू कर देते हैं। अब हमें चूंकि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे एक वेब पेज के ऊपर और हमें उन वर्ड्स को कन्वर्ट करना है कीवर्ड्स के अंदर, और एक एक कीवर्ड को हमें इंडेक्स का हिस्सा बनाना है, तो हम बेसिकली स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट प्रोसीजर के ज़रिए एक पेज के ऊपर मिले हुए सारे कंटेंट को हम अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उनको एक एक करके इंडेक्स में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो थोड़ा सा अगर हम एक लेंथी कोट ले लें, एक स्ट्रिंग है मिसाल के तौर पे ये, नाउ सिंस दिस इज सर नॉट मल्टी स्क्रीन शो लाइन, नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को भी शो नहीं हो रही, नहीं नहीं अब हो रही है, अब हो रही है।
सो वी हैव दिस स्ट्रिंग, पूरी तो ठीक है? इंडिया में तो इसलिए शायद। तो इफ आई से कोट डॉट स्प्लिट, तो जाहिर है इस कोट के तमाम वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे, राइट? यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो वो ये है कि ये जो वर्ड एग्जीक्यूट है, इस एग्जीक्यूट के एंड पे एक डॉट लगा हुआ है जहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तो उसने इस डॉट को भी इस वर्ड का हिस्सा बना दिया है। इसकी वजह क्या है कि जो स्प्लिट मेथड है वो बेसिकली स्पेस की बेसिस के ऊपर स्प्लिटिंग करता है। तो अब चूंकि एग्जीक्यूट और डॉट के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, लिहाजा उसने इसको एक ही वर्ड कंसिडर किया है। अपेरेंटली ये ठीक नहीं है, एग्जीक्यूट के साथ डॉट नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे इसके रिकग्निशन में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फॉर द मोमेंट हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं एंड वी से दैट वी आर ओके विद दिस लिटिल थिंग। इसी तरीके से हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये मल्टी लाइन, आपको पता है आमतौर पर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखे तो उनको ट्रिपल कोट्स में क्लोज कर देते हैं। तो हम इसकी इस एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेते हैं। सो दिस इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड इफ आई कॉल स्प्लिट ऑन दिस यू गेट ऑल दिस, राइट? इस केस में अगर आप देखें तो अगेन फ्रोजन के साथ डॉट लगा हुआ है, एडवर्ड के साथ के शुरू में पैरेंथेसिस लगी हुई है चूँकि आपने यहाँ पे इसको डाला है, और चूँकि स्पेस नहीं है तो वो उसको एक ही वर्ड का हिस्सा बना देगा। वी डॉट एक वर्ड होगा, इसी तरीके से बेरार्ड जो है उसके एंड पे भी एक पैरेंथेसिस लगी हुई नज़र आएगी आपको, बिकॉज उसके दरमियान भी स्पेस नहीं है। सो बज़ाहिर ये ठीक नहीं है कि ये जो पंक्चुएशन सिंबल्स हैं ये वर्ड्स के साथ हिस्से के तौर पे उनके अंदर आएँ, क्योंकि उससे हम उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वी जस्ट से दैट ओके इट्स अ वर्ड एंड वी एक्सेप्ट इट। ओके अब हमें बेसिकली करना ये है कि हमने एक प्रोसीजर डिफाइन किया था ऐड टू इंडेक्स, इफ़ यू रिमेंबर। तो वी हैड डिफाइंड द प्रोसीजर ऐड टू इंडेक्स, राइट? लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो ये दो प्रोसीजर थे जो हमने डिफाइन किए थे, एक ऐड टू इंडेक्स। ऐड टू इंडेक्स क्या करता था कि इंडेक्स के अंदर एक एक एंट्री को चेक करता था, अगर एंट्री का पहला हिस्सा जो आपने कीवर्ड दिया उसके बराबर है तो इसका मतलब ये था कि कीवर्ड पहले से इंडेक्स में मौजूद है, तो उसका यूआरएल आप सिंपली उसकी सेकेंड एंट्री में अपेंड कर दें और वहीं से रिटर्न कर दें। लेकिन अगर पूरी लूप एग्जॉस्ट होने के बाद भी वो आपको कीवर्ड नहीं मिलता तो फिर आप इंडेक्स में एक नई एंट्री प्लेस कर देंगे जिसमें आप वो कीवर्ड और यूआरएल जो है दोनों उसका हिस्सा बना देंगे। और सिमिलरली लुकअप प्रोसीजर क्या करता था कि आप जो कीवर्ड देते हैं वो उसको इंडेक्स के अंदर जाके सर्च करता है, अगर मिल जाता है तो वो उसके साथ एसोसिएटेड यूआरएल्स आपको रिटर्न कर देता है, वरना खाली लिस्ट रिटर्न कर देता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट ऐड टू इंडेक्स एंड लुकअप यू कैन आस्क। सर इंडेक्स और लुकअप की कोई डेफिनेशन होगी? मतलब सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी टाइप यानी के लुकअप प्रोसीजर क्या है, किस लिए है? यस सर। तो लुकअप प्रोसीजर के बारे में जाहिर है ये थ्योरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। हम पहले कोई भी प्रोसीजर लिखते हैं तो पहले हम उसका पर्पस डिफाइन करते हैं कि हमें क्या लिखना है और क्यों लिखना है। सो लुकअप के हवाले से भी हमने ये कहा था, ऐड टू इंडेक्स बेसिकली क्या करता है कि आप जो कीवर्ड देते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड यूआरएल देते हैं उसको इंडेक्स का हिस्सा बना देता है। इंडेक्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि जब हम सर्च करना चाहें तो उस इंडेक्स से हमें सर्च करना आसान होगा। और लुकअप प्रोसीजर कैसे है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गूगल में सर्च करने के लिए एक सर्च क्वेरी देते हैं, ठीक है? तो वो सर्च क्वेरी कहीं जाके मैच की जाती है और उसके मैचिंग रिजल्ट्स आपको रिटर्न किए जाते हैं। बिल्कुल वही काम लुकअप कर रहा है कि आप उसको कोई कीवर्ड देते हैं और वो एक इंडेक्स में जाके उसको सर्च करता है, अगर उसके मैचिंग कोई रिजल्ट्स उसको मिलते हैं तो वो रिजल्ट्स आपको रिटर्न कर देता है।
एड टू इंडेक्स में भी तो हम कीवर्ड और इंडेक्स देते हैं, तो उसके देखिए अंदर वो गूगल की तरह काम नहीं करता? जी बिल्कुल ऐसे ही देखिए ना, आप गूगल जो है उसके पास कुछ कंटेंट आता है, उसने उसको अपने इंडेक्स का हिस्सा बनाना है। इस वक्त मैं उससे क्वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, ये काम वो बैकएंड पे कर रहा है। वो क्या करता है कि जैसे ही कोई इंडेक्स, कोई उसके पास कीवर्ड आता है, यूआरएल आता है, वो उसको अपने इंडेक्स, जैसे देखें ना नए वेबसाइट्स मुसलसल ऐड होती जाती हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, उन वेबसाइट्स के ऊपर, उन वेब पेजेस के ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा होता है उस कंटेंट को गूगल ने अपने इंडेक्स का हिस्सा बनाना होता है, राइट? गूगल अपना इंडेक्स तो अपडेट करके रखता है ना, ताकि जब भी कोई क्वेरी आए तो उसके पास तमाम पॉसिबल रिजल्ट्स जो है वो मौजूद हों, ठीक है। यस सर। तो ऐड टू इंडेक्स का काम गूगल किसी यूजर की क्वेरी के नतीजे में नहीं कर रहा, बल्कि वो तो बैकएंड पे वैसे ही कर रहा है, चूंकि उसने अपना काम कंप्लीट करके रखना है अपने पास, कि जैसे ही कोई नई चीज मिली है उसको इंडेक्स में, इंडेक्स का हिस्सा बना ले। बात समझ आई है? नहीं? यस सर। कोई सवाल है, कोई अभाम है तो पूछ ले। देखिए ऐड टू इंडेक्स एक ऐसा काम है, यानी गूगल बेसिकली आपके लिए बहुत सारी तैयारी करके रखता है, ठीक है, उसने अपना इंडेक्स बहुत अच्छे से तैयार करके रखा होता है। तो ऐड टू इंडेक्स बेसिकली क्या कर रहा है कि जितना भी उसको कंटेंट मिलता जा रहा है उस कंटेंट को वो अपने इंडेक्स का हिस्सा बनाता जा रहा है। ये बात इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप उससे क्वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसने ये इंडेक्स अपने पास बना के हर सूरत में रखना है। जबकि लुकअप प्रोसीजर आपके लिए है कि जब आप कोई चीज़ गूगल से पूछना चाहेंगे तो आप उसको किस तरीके से क्वेरी कर सकेंगे, तो आप उसको कीवर्ड देंगे और वो इंडेक्स के अंदर जाके उसको सर्च करके आपको बता देगा कि मेरे इंडेक्स के में इससे मुतल्लिका नतायज मौजूद हैं या नहीं, अगर हैं तो वो ये नतायज हैं। ओके। अब ऐड टू इंडेक्स की एक लिमिटेशन ये है कि ये एक वक्त में एक कीवर्ड लेता है, जबकि हमारे पास किसी भी वेब पेज में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एक लंबी लिस्ट ऑफ वर्ड हो सकती है, राइट? जी सर। यस सर। तो अब हमें करना क्या है कि हम एक वेब पेज के ऊपर से जब वर्ड्स लेंगे हम उन वर्ड्स को स्प्लिट करके एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जितने भी हमें वर्ड्स मिलेंगे हम उन तमाम वर्ड्स की एक लिस्ट हासिल कर लेंगे, फिर एक लूप लगा के एक एक आइटम इस इंडेक्स में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो अब व्हाट आई से इज, कि हमें एक और प्रोसीजर डिफाइन करना है ऐड पेज टू इंडेक्स, ठीक है। ऐड पेज टू इंडेक्स और ऐड टू इंडेक्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये इंडेक्स लेता है, कीवर्ड लेता है और यूआरएल लेता है। इन तीन में से दो चीज़ें ये भी लेता है, इंडेक्स भी लेता है और यूआरएल भी लेता है, लेकिन एक कीवर्ड की बजाय ये पूरा कंटेंट लेता है बतौर इनपुट। जैसे मैंने कहा कि एक वेब पेज के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट हो सकता है, तो ऐड टू इंडेक्स तो एक वक्त में एक कीवर्ड लेता है कि एक कीवर्ड दे मैं उसको ऐड कर दूंगा, लेकिन चूंकि हमें सारा कंटेंट ऐड करना होता है तो हम एक और प्रोसीजर डिफाइन करते हैं ऐड पेज टू इंडेक्स, जो कि पूरा कंटेंट लेता है। इसके अंदर मतलब हो सकता है एक वेब पेज के ऊपर आपको 50, 100, 200, 400 वर्ड्स मिले, तो वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में इस कंटेंट स्ट्रिंग के अंदर होंगे, ठीक है। इज इट ओके? बेटा मैं तो यहीं हूँ, आपके साथ पता नहीं क्या हुआ है। सर आपका लेफ्ट शो हो रहा था।
ओके, भी नहीं आ रहे। लेकिन आपकी आवाज़ें मुझे मुसलसल आ रही हैं। सही तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। सर ओके, सो यू कैन सी इट नाउ। यस सर यस सर ओके, यस सो बेसिकली ऐड टू इंडेक्स और ऐड पेज टू इंडेक्स में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि ऐड टू इंडेक्स कीवर्ड सॉरी इंडेक्स और यूआरएल लेता है, ऐड पेज टू इंडेक्स भी इंडेक्स और यूआरएल लेता है, लेकिन ऐड टू इंडेक्स जो है वो कीवर्ड लेता है एक कीवर्ड एक वक्त में, जबकि ऐड पेज टू इंडेक्स पूरा कंटेंट लेता है बतौर इनपुट, यानी आप उसे एक पेज के ऊपर मिलने वाले सारे वर्ड्स एक स्ट्रिंग के तौर पे सप्लाई कर सकते हैं। सो सिर्फ ये फ़र्क है। अब इस फ़र्क के साथ हमें करना क्या है कि जो कंटेंट हमें मिला है ज़ाहिर है हमें उसको कीवर्ड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखते हैं वर्ड्स इज इक्वल टू कॉन्टेंट डॉट स्प्लिट। तो कैन यू टेल कि इस लाइन का क्या इम्पैक्ट होगा। सर, ये अलग अलग उसको दे देगा जी, जो कंटेंट को। कंटेंट में जितनी भी लंबी स्ट्रिंग है उसमें जितने वर्ड्स होंगे उन तमाम वर्ड्स को अलग अलग वर्ड के तौर पे एक लिस्ट में डाल देगा। अब वर्ड्स के नाम से हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर कंटेंट के अंदर मौजूद तमाम वर्ड अलग अलग एक एक कीवर्ड के तौर पे आ जाएंगे, ठीक है। सो अगला काम हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर वर्ड इन वर्ड्स। कैन यू टेल कि ये लूप क्या कर रहा है, इस ये लिखने का क्या मतलब है फॉर वर्ड इन वर्ड्स। वर्ड्स एक लिस्ट है जिसके अंदर वर्ड्स हैं, आप उन वर्ड्स में से एक एक वर्ड को एक वक्त में उठाएंगे और इस वेरिएबल वर्ड में वो प्लेस हो जाएगा। आप इस वेरिएबल का नाम वर्ड की बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं, एंट्री भी लिख सकते हैं, आइटम भी लिख सकते हैं, वट एवर जो भी आप वेरिएबल का नाम रखना चाहें। क्यों जी, लूप में ऐसा ही होता है ना, फॉर लूप में। कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी नाउ। जी सर, ओके, सो असल में बाहर अब काफ़ी ज़्यादा आंधी चलने लग गई है, सो दैट्स लॉट ऑफ डस्ट कमिंग इन नाउ एज वेल। सो ये जो लूप आपके सामने लिखी हुई, क्या आप बता सकते हैं लूप क्या करती है। फॉर एंट्री इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स के नाम से एक लिस्ट है उसमें से एक वक्त में एक आइटम उठा के वो वेरिएबल एंट्री में प्लेस करता जाएगा। हम एंट्री की बजाय अगर इसका नाम वर्ड्स रख वर्ड रख लें तो आई थिंक इट वुड लुक बेटर, ठीक है जी। यस सर, तो आप हर वर्ड के लिए क्या करेंगे, ऐड टू इंडेक्स प्रोसीजर को कॉल कर लेंगे, और ऐड टू इंडेक्स प्रोसीजर वही प्रोसीजर है जो आपने पहले लिखा हुआ है जिसको आप इंडेक्स कीवर्ड और यूआरएल देते हैं। तो अब आप उसको इंडेक्स वर्ड और यूआरएल देके उससे अपना जो मतलूबा काम है वो करवा सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसीजर में और इस प्रोसीजर में फ़र्क क्या है कि ये पूरा कंटेंट लेता है उसको स्प्लिट करता है और एक एक वर्ड पर इस प्रोसीजर को दे के उस आइटम को इंडेक्स में ऐड कर लेता है। डिड यू गेट दिस पॉइंट, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर पहले क्या करता है, ये कंटेंट को रीड करता है। कंटेंट जाहिर है आपके पास, इस अगर हम कह रहे हैं कि कंटेंट हम इसको दे रहे हैं इसका मतलब है कि कंटेंट हमारे पास है, कहाँ से आया है उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हमारे पास कंटेंट है तो उस कंटेंट को हम स्प्लिट कर लेंगे, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर एक एक वर्ड को हम ऐड टू इंडेक्स कॉल करके जो है वो इंडेक्स का हिस्सा बना लेंगे।
होता है ना। जी, वो कीवर्ड हम दे रहे हैं ना, देखिए ये वर्ड जा रहा है यहाँ पे, एक एक वर्ड जाएगा एक वक्त में, ठीक है सर, ठीक है? ओके, सो अब हमारा ये काम तो हो गया पूरा, ठीक है? अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो अगर हम व्हाट्स रॉन्ग विद इट, एड पेज टू इंडेक्स, ओके सॉरी, हमें इंडेक्स को भी डिफाइन करना है। इंडेक्स एक एम्प्टी आइटम के तौर पे डिफाइन करते हैं और फिर हम ये कॉल कर लेते हैं। अब अगर आप इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, इज इट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी प्रिंटेड? अब हमने एड्रेस एक फेक एड्रेस दिया फेक डॉट टेस्ट के नाम से, तो दिस फेक डॉट टेस्ट पे मिला उसकी एक एंट्री हो गई, इज मिला उसकी भी एक एंट्री हो गई, अ मिला उसकी भी एक एंट्री हो गई, और फिर टेस्ट मिला तो उसकी भी एक एंट्री हो गई, ठीक है? इसी तरीके से हम अगर एक और एंट्री इसके अंदर करें नॉट डॉट टेस्ट, और उसमें हम जो कंटेंट है वो दे दें दिस इज नॉट अ टेस्ट, तो अब कुछ मज़ीद आइटम इसमें ऐड हो जाएंगे। एंड इफ़ यू प्रिंट द इंडेक्स नाउ, तो अब आप देखें तो दिस के अगेंस्ट दो एंट्रीज़ हैं, क्योंकि दिस फेक डॉट टेस्ट पे भी है, नॉट डॉट टेस्ट पे भी है, इस भी दोनों में है, ए भी दोनों में है, टेस्ट भी दोनों में है, जबकि एक वर्ड है नॉट जो दोनों में नहीं है, वो एक में है इस केस में सिर्फ, ठीक है? सो नॉट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन ऑन द एड्रेस नॉट डॉट टेस्ट एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन फेक डॉट टेस्ट। ठीक हो गया जी? जी सर, अब अगर आप इसी पे लुकअप कॉल कर लें, लुकअप को भी आपको यही इंडेक्स देना है और साथ में कीवर्ड देना है जो आप तलाश करना चाहते हैं। मसलन मैं अगर नॉट तलाश करता हूं तो इसको क्या जवाब देना चाहिए? नॉट डॉट टेस्ट, क्योंकि नॉट सिर्फ नॉट डॉट टेस्ट पे है। अगर मैं इस तलाश करने को कहता हूं तो मुझे फेक डॉट टेस्ट और नॉट डॉट टेस्ट दोनों मिलते हैं, क्योंकि इस दोनों एड्रेसेस पे मौजूद है, ठीक है? और अगर मैं इस डॉट लिखता हूं तो क्या जवाब आएगा? क्यों जी, अब क्या जवाब आना चाहिए? क्या इस डॉट के नाम से कोई कीवर्ड हमारे इंडेक्स में मौजूद है? नो सर, नो, सो दिस शुड रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट देन। अब क्या जवाब आना चाहिए? एम्प्टी सर, जिसके नाम से कोई कीवर्ड हमारे इंडेक्स में मौजूद है? नो सर, चेक करें तो और से। दिस तो नहीं है, दिस है? क्यों जी, दिस है? क्या क्या ऐसा नहीं है। क्या क्या कीवर्ड्स हैं आपके इंडेक्स में? लुकअप वाले में तो सर इजी है बेटा, इंडेक्स इंडेक्स ऊपर प्रिंटेड है सारा, देखिए उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड कौन सा है इंडेक्स में बेटा? कीवर्ड पूछ रहा हूं, एड्रेस नहीं पूछ रहा। पहला कीवर्ड दिस है, किस किस एड्रेस पे है दिस? सर, दिस इज अ टेस्ट। दिस कीवर्ड किस एड्रेस पे है? एड टू पेज इंडेक्स, एड टू पेज इंडेक्स एड्रेस है, आई मीन यूआरएल। दिस
कीवर्ड किस यूआरएल पे है? So this is your index now. This is your first keyword. This is the list of addresses where this word is found. So the first address is fake.test. Second address is not.test. ये आपका दूसरा कीवर्ड है is. ये भी दो addresses पे मिला है हमें, एक fake.test पे, एक not.test पे, and so on, right? Yes. अब बताइए कि this कीवर्ड क्या हमारे इंडेक्स में मौजूद है? Yes, it is also case sensitive. So in this case, you will get an empty list because this T is small, right? अच्छा, आम तौर पे सर्च इंजन्स केस सेंसिटिव नहीं होते. अगर हम इसे केस सेंसिटिव नहीं बनाना चाहते तो हमें थोड़ा सा मजीद काम करना पड़ेगा, जो फिलहाल हम नहीं कर रहे. कैपिटल लिखेंगे तो ज़ाहिर है हमें फेक डॉट टेस्ट और नॉट डॉट टेस्ट रिटर्न करेगा कि इन दोनों एड्रेसेस के ऊपर आपका मतलूबा कीवर्ड मौजूद है. ओके जी, सो हमने ये काम कर लिया. अब एंड दिस इज जस्ट दैट स्ट्रिंग बीइंग मैनिपुलेटेड. अब हम अपना काम, अपना क्रॉलर का काम कंप्लीट करने जा रहे हैं. वी विल सी कि हम अपना क्रॉलर कैसे कंप्लीट करते हैं. अब क्रॉलर के नाम के लिए आपने वेब क्रॉल वेब के नाम से एक प्रोसीजर लिखा था, ठीक है. हम सिंपली ये करते हैं कि क्रॉल वेब से पहले हम यहाँ पे ये तीनों प्रोसीजर्स कॉपी कर लेते हैं, राइट. अब हमें क्या करना है, क्रॉल वेब के अंदर हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी है. क्रॉल वेब हमारा क्या करता था कि क्रॉल वेब के अंदर हमने दो लिस्ट डिफाइन की थी, टू क्रॉल एंड क्रॉल्ड, ठीक है. और टू क्रॉल को हमने सीड पेज से इनिशलाइज किया था. हम करते क्या थे कि हम एक एक पेज को उठाते थे, उसको क्रॉल करते थे, उसके ऊपर से नए लिंक्स तलाश करते थे, उन नए लिंक्स को हम टू क्रॉल में ऐड कर लेते थे, और जो पेज हमने क्रॉल किया था उसको क्रॉल्ड में डाल देते थे, ठीक है. और ये काम हम तब तक करते रहते थे जब तक हमारे पास पेजेस मौजूद रहते थे क्रॉल करने के लिए. और आखिर में हमने जब ये प्रोसीजर रिटर्न करता है तो हम उन तमाम पेजेस की लिस्ट जो क्रॉल कर चुके हैं वो रिटर्न कर देते थे. अच्छा, अब एक छोटी सी मॉडिफिकेशन हमें इस पेज के अंदर ये करनी है कि हमें महज एड्रेसेस नहीं चाहिए कि एक पेज ओपन करें, उसके ऊपर से नए एड्रेसेस तलाश कर लें, उन एड्रेसेस को ओपन करें, उनके ऊपर से नए एड्रेसेस तलाश कर लें, एंड सो ऑन. हमें साथ साथ ये भी करना है कि हर पेज जो हम ओपन करते हैं उसके ऊपर जो कंटेंट हमें मिलता है उस कंटेंट को भी हम अपने इंडेक्स का हिस्सा बनाते जाएँ साथ साथ, राइट. बिकॉज सिर्फ एड्रेसेस नहीं चाहिए हमें, सर्च इंजन बनाने के लिए वो कंटेंट चाहिए, चूँकि मैचिंग तो हमने कंटेंट से करनी है, ठीक है. सो बेसिकली हम अपने क्रॉल वेब प्रोसीजर को थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं. हम करते क्या हैं कि यहां पे लिखते हैं, इसको हम फोर कर लेते हैं. यहां पे हम लिखते हैं इफ पेज नॉट इन क्रॉल्ड, अगर वो क्रॉल्ड में नहीं है, हम एक वेरिएबल लेते हैं कंटेंट्स इज इक्वल टू गेट पेज पेज. यानी ये जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे ये हम वहाँ पे कर लेते हैं. पहले कंटेंट्स भी ले लेते हैं वहीं पे, और यहाँ पे हम कंटेंट्स ही दे देते हैं, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि जो पेज हमने जिसको ओपन करना है उसके कंटेंट्स हम गेट कर लेते हैं. गेट पेज प्रोसीजर आपके लिए उस पेज, उस एड्रेस के ऊपर जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ होगा वो उठा के ले आएगा, ठीक है. फिर हमें करना क्या है कि हमने एक प्रोसीजर लिखा है ऐड पेज टू इंडेक्स, जो कि ये हमारा सारा कंटेंट ले जाएगा. हम यहाँ पे एक
इंडेक्स के नाम से भी वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, जो इंडेक्स लेगा, कंटेंट्स लेगा, सॉरी कंटेंट्स नहीं लेगा, यूआरएल लेगा, यानी जो हमारा एड्रेस है वो लेगा, और कंटेंट्स लेगा, ठीक है, और इसको वो इंडेक्स का हिस्सा बना देगा। ये बात समझ आई आपको जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये दो लाइनें जो हमने लिखी हैं? जी, बेसिकली देखिए क्रॉल वेब के अंदर हम क्या करते हैं कि एक एक पेज को उठाते जाते हैं और उसके अंदर से नए लिंक तलाश करते जाते हैं, यही करते हैं ना हम। यस सर। अब हम ये कहते हैं कि महज ये ना करें कि आप नए लिंक्स तलाश करें, इसके साथ साथ एक और ज़रूरी काम ये है कि जो पेज आपने ओपन किया है उस पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट आपको मिला है उसको इंडेक्स में भी ऐड कर लें, क्योंकि सिर्फ तो सारी इंडेक्स पे होनी है, तो आप उसका कंटेंट गेट करते हैं पहली लाइन में और फिर आप ऐड पेज टू इंडेक्स प्रोसीजर कॉल करके ये सारा कंटेंट जो है इसको इंडेक्स का हिस्सा भी बना देते हैं। सिर्फ ये छोटा सा काम आपने यहाँ पे मज़ीद किया है, और ये काम करने के लिए जो प्रोसीजर हमें चाहिए वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक हो गया? यस सर। And this is your fully running code of a search engine, जिसमें आप crawl web से अपना काम शुरू करते हैं। कि मैं old call ले लेता हूँ जिसके अंदर हमने like this one, right? तो ये काम हमने पहले भी किया था, ये सिंपल एक पेज था जिसके ऊपर लिमिटेड लिंक्स थे, इनको हम इस्तेमाल करके इसकी एग्जीबिशन देख लेते हैं, राइट। सो अब ये प्रोसीजर्स हमने टोटल डिफाइन किए, क्रॉल वेब है, ऐड पेज टू इंडेक्स है, लुकअप है, ऐड टू इंडेक्स है, गेट ऑल लिंक्स है, यूनियन है, गेट नेक्स्ट टारगेट है, और गेट पेज है। ये टोटल हमारे प्रोसीजर्स हैं जिनको हमने लिखा, और ये हमारे लिए एक बुनियादी वर्किंग सर्च इंजन की मुकम्मल मिसाल क्रिएट कर देता है। ठीक हो गया जी? ये कोड जो है ये मैं आपसे आप अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, राइट, सो यू कैन डाइजेस्ट दिस कोड फर्दर, ठीक है, और ज़ाहिर है इसी को आपको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट भी करके देखना है कोड को। अगर इसके बारे में अभी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अगर आप इसको दोबारा जाके देखते हैं कुछ बातें आपको समझ नहीं आती तो डू आस्क दोस, बिकॉज दिस इज़ योर प्राइमरी कोड दैट बेसिकली मेक्स अ सर्च इंजन वर्क फॉर यू। तो फिलहाल हमारा जो यूनिट 4 है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस यूनिट के अंदर हम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है, जो हमारा गेट पेज प्रोसीजर है, इम्पोर्ट यूआरएल लिब है, कि ये कैसे काम करते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बात यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन अबाउट दिस एज वेल यू कैन आस्क दैट। सर हमारा सिलेबस कितना होगा फाइनल? जितना पढ़ लेंगे बेटा। कोई सवाल है इससे मुतल्लिक तो पूछ लीजिए। सर ये वाली वीडियो पे चैनल पे डाल दीजिएगा लाल बेटा, पहले भी सारी डालनी है, ज़ारा ये भी डाल दूँगा, कोई देखे तो सही। ठीक है जी, इफ़ यू डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस वी विल एंड दिस मीटिंग हियर, एंड जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया था नेक्स्ट फिज़िकल क्लास के लिए वो सारा काम करके आइएगा, तैयार होके आइएगा। सो आई थिंक वी डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट नाउ कि हम चीज़ों को लाइट लें।